अलबत्ता जो पेपर बनाया जाएगा उसमें हाथ होला रखा जाएगा, और इसकी जो चेकिंग है कम से कम आपको 5 छुट्टियां भी मिल सकती है दो पेपरों के दरमियान। ये सिर्फ आपको वरगलाएंगे, आपको सड़कों पे लेकर आएंगे, आपको मारपीट पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, फाइनली आप सब लोगों को ये खबर मिल चुकी होगी। बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, खुशखबरी है स्टूडेंट्स के लिए, उनके वालदैन के लिए, क्योंकि वालदैन भी परेशान थे क्योंकि इतने जल्दी पेपर्स देना और इतने सारे सब्जेक्ट्स ये नामुमकिन था। इसके ऊपर हम सब लोग आवाज़ उठा रहे थे, सब लोग बच्चों के साथ थे क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का एक फ़ैसला था, एक अहम तरीन मोड़ था। और शुक्रिया हुकूमत पाकिस्तान का, शुक्रिया वजारत तालीम का, स्पेशली शफकत महमूद साहब का शुक्रिया, डॉक्टर मुराद रास जो पंजाब के वज़ीर तालीम हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन ली है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको पता चल चुके हैं। एक ऐसा नुक्ता इसमें ऐसा है जो शायद बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया, और इसमें आप सब स्टूडेंट्स का फायदा भी है, और एक नुक्ता ऐसा है जो कि इंतहाई खतरनाक और अलार्मिंग भी है, दोनों आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है वो 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 26 जून से स्टार्ट नहीं होंगे। यानी पहले 26 जून को पेपर स्टार्ट होने थे जो कि अब 10 जुलाई अगले महीने की 10 तारीख को शुरू होंगे। पहला फैसला जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया वो ये था। दूसरा जो अहम फैसला ये था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन बात थी, वो ये थी कि जनाब 10वीं और 12वीं के पेपर जो है वो सबसे पहले कंडक्ट किए जाएंगे, 10वीं और 12वीं के, ठीक हो गया। और इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने उसको इग्नोर किया, बताता हूं उसके बारे में भी। चौथा जो पॉइंट था उसमें यह है कि 9th और 10th क्लास के जो एग्जाम्स होंगे वो सिर्फ इलेक्टिव जो सब्जेक्ट हैं उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसको इख्तियारी मजामीन कहते हैं। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हवाले से या इख्तियारी मजामीन के हवाले से भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं एक्चुअली ये होते क्या है। देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके होते हैं, लेट्स सपोज उर्दू, इंग्लिश, इंग्लिश बी, उर्दू बी, और इसके अलावा इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान वगैरह वगैरह, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक में भी फेल हो जाते तो आप ओवरऑल पूरे सिस्टम में फेल हो जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है माइनस कर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट माइनस किए गए हैं क्लास 12 के लिए। जो 12वीं क्लास है वो सिर्फ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर देंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी, जो मैथ रखी हुई उन्होंने वो मैथ देंगे, जो बायोलॉजी वाले हैं वो बायोलॉजी का पेपर देंगे। और इसके अलावा जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट उनका होगा मैथमेटिक्स, और इसके अलावा 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। यानी कि मैट्रिक के जो बच्चे हैं वो 4 सब्जेक्ट के पेपर देंगे, और इसके अलावा जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो सिर्फ 3 इलेक्टिव इख्तियारी जो सब्जेक्ट है, मजामीन है, उनके पेपर्स देंगे। इसके अलावा सिलेबस में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अलबत्ता जो पेपर बनाया जाएगा उसमें हाथ होला रखा जाएगा, और इसकी जो चेकिंग है उसमें भी हाथ तकरीबन होला रखा जाएगा। कोशिश की जाएगी स्टूडेंट्स को मैक्सिमम मार्जिन दिया जा सके, या एग्जामिनर्स को या पेपर चेक करने वाले जितने हजरात होंगे उनको ये इंस्ट्रक्शन जारी की जाएगी, जनाब आप हाथ थोड़ा सा होला रखें। अब इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है, जो कि खुशी की बात है, बड़ी जबरदस्त बात है, वो ये कि इन पेपर्स के दरमियान में, यानी कि 12वीं क्लास के जो पेपर, जो 3 पेपर होने, उनमें गैप बहुत ज्यादा होगा। आम रूटीन में आप देखते हैं मैक्सिमम 2 छुट्टियां होती है या 3 भी कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको 5 छुट्टियां भी मिल सकती है दो पेपरों के दरमियान में, यानी कि 5 छुट्टियों का गैप आपके पास होगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का गैप भी आपको मिल सकता है। तो ये बड़ी जबरदस्त खबर है आपकी तैयारी के हवाले से, और आप पर प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, लोड नहीं होगा। 10 जुलाई तक आप मैक्सिमम तैयारी करें, उसके बाद आपका एक पेपर होगा, 7-8 दिन का वक्फा आएगा, दूसरा पेपर होगा, फिर 7-8 दिन का वक्फा आएगा, फिर आपका तीसरा पेपर होगा। ये बड़ी जबरदस्त बात है, इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा अहम तरीन पॉइंट, शफकत महमूद का ट्वीट आप लोगों ने नहीं देखा जो कि उन्होंने एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद किया, उसमें वो आखिरी जो लाइन आप पढ़ लेना कि नो चेंज, इस फैसले के अंदर अब किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी। इसमें अब मैं स्टूडेंट को एक टिप दे देता हूं कि अब आपको यूज किया जाएगा, ये जो बड़े बड़े नाम आपके साथ अटैच हो गए हैं ना, जो आपके ऊपर, आपके इशू के ऊपर जनाब अपने अकाउंट्स को बूस्ट करते हैं, हालांकि वो आप समझते हैं कि आपके फायदे का सोच रहे, आपके फायदे का बहुत कम लोग सोच रहे होते हैं, बल्कि बाकी लोग आपको इस्तेमाल करते हुए आपको शहीद करके, मैं शहीद वो वाला नहीं कह रहा, दूसरे मामले में कह रहा हूं शहीद, मतलब कि आप लोगों को इस्तेमाल करते हुए अपना नाम बनाते हैं। दूसरा, वो तंजीमें
उन तंजीमों से आपने बचना है, उन यूनियन से आपने बचना है जो अभी भी आपको कहेंगे ये फैसला भी हम नहीं मानते, आए एहतजाज करते हैं, माल रोड चलते हैं, फैजाबाद चलते हैं, कराची तारिक रोड चलते हैं, पिशावर में चलते हैं, यूनिवर्सिटी रोड को बंद करते हैं। इन जैसे लोगों से आप लोगों ने बचना है। अगर अभी भी आप लोग मुतालबा करते हैं कि भाई नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये सख्त है, हम नहीं दे सकते पेपर, तो फिर आप नालायक है। फिर आप ये है कि आप सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप पेपर्स नहीं देना चाहते, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, आप मुफ्ते में पास होना चाहते हैं, तो ऐसा काबिल कबूल बिल्कुल नहीं होगा किसी के लिए भी। आपका ना मीडिया साथ देगा, ना सोशल मीडिया साथ देंगे, ना जो अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है या जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं जो बेहतरीन अंदाज में आप लोगों का दिफा कर रहे थे, वो उनमें से कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। तो आपने ऐसे लोगों से, ऐसी तंजीमों से बच कर रहना है। ये सिर्फ आपको वरगलाएंगे, आपको सड़कों पर लेकर आएंगे, आपको मारपीट पड़ेगी, फिर आप जनाब तोड़फोड़ करेंगे, उसके बाद आप गिरफ्तार होंगे, और खुदा ना खास्ता आप अंदर हो बाहर पेपर हो रहे हो तो आप लोगों के लिए मसला बनेगा। तो इन जैसे लोगों से, इन जैसी जो तंजीमें हैं, इनसे आपने बच कर रहना है। दूसरा अहम तरीन ज़बरदस्त बात इसमें यह है कि अब आपको पेपर्स के दरमियान में गैप मिलेगा, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर चुका हूँ। बाकी आपने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुन ली है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टाइम हुआ तो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।